संविधान ने छूट दी थी। आप पानी पीजिए, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। सर मेरा सवाल ये है सर, आप पूछिए ना, तीन दशकों में कितनी बार कांग्रेस के नेता गए, उन्होंने क्या झंडे गाड़े, कितनी बार ये घर से निकले, क्यों इनका देश खत्म हो गया, उसके लिए जिम्मेदार है क्या मिश्रा है? इसीलिए हमको लगता है ये ज्यादा छटक रहे हैं आप, और सत्ता का आपका विश्लेषण नहीं। सवाल पूछ रहे हैं तो काउंटर सवाल जवाब के लिए तैयार रहिए, चाहे आप रखता हो चाहे एंटर हो। देखिए उत्तर प्रदेश बनने के रास्ते पे उत्तर प्रदेश चला हुआ है, मेरा सवाल ही कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि कुछ मुखिया ऐसे थे सिर में चुन करके गोली मरवाते थे पूजा के अधिकार के लिए। नौकरी मांगोगे तो क्या लाठियां भाजी जाएंगे? प्रयागराज की तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर छात्रों पर जमकर पुलिसिया कहर देखने को मिला। उपद्रवियों के बजाय निर्दोष छात्रों पर जमकर लाठियां भाजी गई हैं। राजनीतिक विश्लेषक एके मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। मैं एके मिश्रा साहब आपके पास आऊंगा, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नजरिए के साथ देख रहे हैं? सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि क्या देश के सबसे बड़े सूबे के युवाओं का नसीब ये बन गया कि अब तक तो दर दर की ठोकरें खाने के लिए भटकते थे, अब लाठियां अलग से मिल रही हैं? देखिए ये छोटी सी क्लिपिंग थी, आगे पीछे मैटर का क्या डिटेल है चूंकि मुझे नहीं पता, मैंने इस न्यूज को नहीं देखा। इतना जरूर है कि जो प्रामाणिक चीज है, नौकरियां मांगना गुनाह है नहीं है वो हम डिबेट में बात कर लेंगे, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि एक बार कुछ लोग या कुछ भीड़ में जो है अयोध्या में गए थे और पूजा करने के अधिकार को लेके गए थे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है, तो हाँ वहां लाठियां तो नहीं चली थी लेकिन गोलियां जरूर चली थी। और गोली चलने के बाद उस वक्त जो सूबे के मुखिया थे ना, उन्होंने ये बोला था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो 10 बार और करूंगा। तो ये उत्तर प्रदेश की हालत बड़ी तो उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। क्या बदले की कार्रवाई की जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से? कौन से बदले की कार्रवाई है सर? कहां गोलियां चली? कहां गोलियां चली? नहीं नहीं हद हो गई, कहां गोलियां चली? किसने निंदा नहीं की? किसने इसको सपोर्ट किया? मैं खुद निंदा करता हूं कि मैं है क्या, मैंने आपको बताया हद हो गई। बारी बारी से, बारी बारी से अपनी बात रखो। सॉफ्ट बल का प्रयोग अगर कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, करपांत्री महाराज ने मिश्रा जी सुनिए, ये तस्वीरें आप अपनी, ये तस्वीरें हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा सभी मेहमानों से, प्लीज 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 एक सेकंड के लिए बारी बारी से अपनी बात रखेंगे। अगर अपनी बारी बारी से बात रखेंगे तो बेहतर समझ आएगा। ये तस्वीरें मिश्रा जी ये तस्वीरें देखे ना, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं। अगर कोई उपद्रव कर रहा है, अगर कोई उपद्रव कर रहा है, मुझे डिटेल में नहीं पता दिन भर ये हुआ क्यों सर, तो बगैर डिटेल के सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? मुझे बता दीजिए, जब गोलियां चली थी 500-700 लोग मरे थे, उसका क्या जवाब है सर? तो छूट मिल जाती है, तो इसलिए छूट मिल जानी चाहिए। आप क्या चाहते हो, जो उसने मुखिया ने किया था आज भी वही ने किया? कभी नहीं हो सकता है। मुद्दे से भटक रहे हैं सर, सुनिए एके मिश्रा जी अरे सर सुनिए, एके मिश्रा जी अरे मिश्रा जी मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं सर? मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? जब बात चल रही है तो एक एक घटना की बात चल रही है। एके मिश्रा जी हम बात ये कर रहे हैं छात्रों के साथ, ये सुनिए सही मिश्रा जी, सर तो छूट मिल जाती है, छूट मिल जाएगी संविधान। अगर पूर्व में किसी ने गलतियां की हैं तो हमको भी अधिकार मिलता है। अच्छा जी, संविधान ने छूट दे दिया था गोली चलाने की, मुझे बताइए सर, देश में अदालतें हैं, देश में अदालतें हैं। एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी आप भाषण मोड में आ गए, सुनिए 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 सर, ये भाषण का मंच नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखिए। एके मिश्रा जी सुनिए ना, अगर बारी बारी से सर सुनिए ना, कम से कम बारी बारी से अपनी बात रखेंगे, लोगों को समझ में तो आएगा। बारी बारी से मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल सर सुनिए ना, इसको राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए ना। यहाँ पर डिबेट का मकसद ये है कि इसका कुछ साथ निकले, व्यवस्था में परिवर्तन हो, जो किसी को लाठियां ना खानी पड़े। मैं कपिल श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूँ, कपिल श्रीवास्तव जी प्लीज सर सुनिए ना, सरकारी प्रशासन ने जो भारतवास आना होनी चाहिए, भारतवास आना होनी चाहिए सर, ये चलाना क्या संविधान सर, ये पता है, संविधान ये पता है,
जनता का समय समय नष्ट हो रहा है। सर सुनिए मिश्रा जी, संविधान ने छूट दी थी। आप पानी पीजिए, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। सर सर मेरा सवाल ये है सर, आप संविधान ने छूट दी थी। आप पानी पीजिए, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। सर सर मेरा सवाल ये है सर, आप तस्वीरों पर बोलिए क्या तस्वीरें ये सही है। मैं भी उन्हीं खबरों की बात कर रहा हूँ, एक दलित महिला के कपड़े फाड़ दिए थे इसी पार्टी के मुखिया। आप इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, बाकी मुद्दों पर आएंगे। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। दीपक बघेल साहब, सर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, सर रुकिए थोड़ा सा, मिश्रा जी थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। लेकिन हमें चिंता प्रदेश के युवाओं की है, जो बेरोजगार हैं, जो परेशान हैं, जो लाठियां खाने को मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोई उपद्रव करता है उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन उपद्रवियों के नाम पर क्या निर्दोषों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई है, मैं मिश्रा जी आपके पास फिर आऊंगा। आपको लग रहा है कि प्रशासन से चूक हुई है इस मामले में? देखिए, मैं हमेशा इस चीज का पक्षधर रहा हूं कि लोकतंत्र में या किसी भी तंत्र में हिंसा नहीं होनी चाहिए, उपद्रव नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये बोला कि इसके क्या कारण है वो जांच का विषय है, आप लोग या सरकार जाके जांच करे। मैं एक चीज की ये करता हूँ, सॉफ्ट पावर का यूज पुलिस को करने के लिए दिया गया है। नेता ने, मुखिया ने बोला कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, हम देखेंगे क्या है। मेरा सवाल ही कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि कुछ मुखिया ऐसे थे सिर में चुन करके गोली मरवाते थे पूजा के अधिकार के लिए। मेरा सवाल ही कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि कुछ मुखिया ऐसे थे सिर में चुन करके गोली मरवाते थे पूजा के अधिकार के लिए, और उसके बाद दो बार सरकार बनी तो 10 बार और गोली मरवाऊंगा। उसका जवाब दीजिए, जिन्होंने मायावती के कपड़े फाड़े, हाथ से टेप बजा दिया, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने वाली होती है, उसका जवाब दीजिए। दो सवालों का जवाब दीजिए। इसका मतलब ये माना जाए, इसका मतलब ये माना जाए कि सरकार से कोई सवाल जवाब ना हो, पिछली सरकार सवाल ही तो पूछ रहे हैं ना सरकार से, सवाल पूछ रहे हैं तो काउंटर सवाल जवाब के लिए तैयार नहीं है, चाहे आप प्रवक्ता हो चाहे एंकर हो। सवाल पूछ रहे हैं तो काउंटर सवाल जवाब के लिए तैयार नहीं है, चाहे आप प्रवक्ता हो चाहे एंकर हो। सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। एंकर का काम सवाल करना है, जवाब देना आप लोगों का काम है, जवाब देना विश्लेषण करना आपका काम है। लेकिन आप गलत दिशा में जा रहे हैं। सुनिए ओपिनियन, सुनिए मिश्रा जी, मिश्रा जी हम ओपिनियन नहीं देते, सुनिए हम अपना ओपिनियन नहीं देते हैं। यहाँ पर आम जनता के दिल में क्या चल रहा है उसकी राय कर, उसकी राय रखते हैं आम जनता की। कोई मत नहीं है, कोई विश्लेषण नहीं है। सुनिए एके मिश्रा साहब सुनिए थोड़ा धैर्य रखिए। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर निर्दोष छात्रों पर लाठियां भांजी जाती है, गलत है किसी की भी सरकार हो, आप यहाँ बैठ के कैसे डिसाइड करेंगे? आपने कैसे डिसाइड किया? आपने कैसे डिसाइड किया कि वो छात्र उपद्रवी थे? आपने कैसे? आपने जांच की ये जांच का विषय है, मतलब आप ही कहिएगा, आप ही सवाल कीजिएगा, आप ही जवाब दीजिएगा, आप ही सवाल कीजिए, आप ही जवाब दीजिएगा, आप ही सवाल जवाब कीजिए। मिश्रा जी बिके हुए आदमी है, आप सजा दे दीजिए। सर मेरा सवाल, ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। हमारा काम जो सच्चाई है वो जनता के सामने रखना है। सर 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 ये पीड़ा आप ग्रसित है, आप किसी बात से ग्रसित है, आप किसी बात से ग्रसित है मिश्रा जी, ग्रसित है। सर मेरा सवाल सुनिए ना फिर सीधे छात्रों की बात कर लेते हैं। आपके परिवार में सभी युवाओं को रोजगार मिल गया, आपके परिवार में सभी को रोजगार मिल गया। सर सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि जब प्रशासन इस बात को चूक करार दे रहा है, सूबे के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि ये बड़ी गलती हुई, हम किसी को बख्शेंगे नहीं, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। किसने बोला आपको? आप चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं उनके स्टेटमेंट। चले ठीक है, आप समझा नहीं पा रहे हैं शायद। मैं तरुण भारद्वाज साहब आपके पास आऊंगा, ठीक है? आप थोड़ा ध्यान रखिए। सर सुनिए, स्वीकार है सर, स्वीकार है, ठीक है? अब ध्यान रखिए मिश्रा जी ठीक है, हो गया, ठीक है मिश्रा जी। सर आपको भी अधिकार नहीं दिया ना किसी ने, क्या आप भी फैसला सुना देंगे? आप थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान।
थोड़ा सा धैर्य रखे ना, आपने तो क्लीन चिट पहले दे दी, आपने क्लीन चिट दे दी सर। जिन बोला है सर ये बताइए कितने छात्रों को, कितने छात्रों को गिरफ्तार किया गया? मिश्रा जी सुनिए, आप वन टू वन कर लीजिए, कितने छात्रों को आप मुझे बताइए, कितने छात्रों को गिरफ्तार किया गया? जिन छात्रों की लॉज में घुसकर पिटाई की गई उनमें कितने कल्पित थे, कितने दोषी थे, बताइए ना। बिल्कुल नहीं पता है, अंधेरे में तीर चलाइएगा, अंधेरे में तीर चलाइएगा, ठीक है? ठीक है, अब थोड़ा धैर्य रखिए मिश्रा जी। सर बगैर खबर की जाने आप विश्लेषण करने बैठ गए, थोड़ा सा रखिए, थोड़ा रखिए, ठीक है ठीक है ठीक है, धैर्य रखिए। नहीं क्या कलेक्टर ही एक प्रकार की नौकरी है क्या? और भी तो रोजगार के साधन है क्या? वो पूरे हो रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने आने से पहले 2014 में शोर मचाकर बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिल गई हैं हमें? मैं यहां तो पूरा नेगेटिव चल रहा है। एक है मिश्रा साहब, विपक्ष इस मामले पर सियासत ना करे ये कहकर विपक्षी आवाज दबाने की कोशिश नहीं है क्या? विपक्ष करे क्या, घर बैठ जाए? नहीं, विपक्ष तो 5 साल से घर बैठा है ना, कभी कहीं ये निकले हैं? ये तो चुनावी मेढक की तरह अब निकले हैं। आप मुझे बता दीजिए कि विपक्ष के जितने नेता हैं, मायावती, अखिलेश यादव, गिन चुन करके अगर इनको सरकार बनानी है, मेरी शुभकामनाएं सबको है, मेरा वैसा कुछ नहीं है। ये कहां निकले हैं विपक्ष, आप मुझे बताइए। और दूसरी चीज है, बात हम कांग्रेस कह रही है कि सबसे ज्यादा लाठियां हमने खाई, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पर, सबसे ज्यादा जेल भेजे गए हमारे कार्यकर्ता। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा खाई है, सबसे ज्यादा सत्ता भी उन्होंने भोगा है, समाजवादी पार्टी ने 3 दशक से ऊपर हो गया, उत्तर प्रदेश में तो सत्ता में ही नहीं है। हम क्या करें उसके लिए, बीजेपी सपा बसपा और हम और आप थोड़ी जिम्मेदार है? आप पूछिए ना, 3 दशकों में कितनी बार कांग्रेस के नेता गए, इन्होंने क्या झंडे गाड़े, कितनी बार ये घर से निकले, क्यों इनका देश खत्म हो गया, उसके लिए जिम्मेदार है क्या मिश्रा है? इसीलिए हमको लगता है ये ज्यादा छटक रहे हैं। आप इनको आपका विश्लेषण जानने की कोशिश कर रहे हैं, गलती होती है, हम तो आपका विश्लेषण जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप घर से बाहर निकलोगे नहीं, चुनाव के 1 महीने पहले निकल बोलोगे हम सरकार बना रहे हैं, तो मुबारकबाद हमारी पहले। ठीक है, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता आपके बगल में बैठे हैं, भारद्वाज साहब क्या कहिएगा? वो कह रहे हैं कि घर पर बैठकर सियासत करते हैं, ट्विटर ट्विटर की राजनीति चलती है, कोई घर पर बैठ के नहीं। हम लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं प्रदेश के, कभी भी मैं आ रहा हूँ आपके पास, प्रदेश आप शांत रहिए, अपने टर्न पे बोलिए, आप इस बात को मानो कि आपने आत्मा बेच दी। अरे जबरदस्ती आप क्यों बोले जा रहे हैं? व्यक्तिगत नहीं होते, आपको बोलने व्यक्तिगत नहीं होते हैं। छात्रों का सोल्यूशन कैसे निकले, छात्रों की जो चिंताएं हैं, छात्रों को दोबारा कभी लाठियां ना खानी पड़े। सर रुकिए ना, कहां वन टू वन, ये युद्ध का मैदान नहीं है ना, हम आपस में उनको सुन लीजिए 2 मिनट, वो आपको सुन लीजिए, अखाड़ा बना जा चाहते हैं। वो किसी की नहीं सुन रहे हैं ना, सुनिए ना, सुन तो आप भी नहीं रहे, मैं आ रहा हूँ दोबारा। अरे भाई 45 साल में ऐसे ही थोड़ी ना हो गए बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा। और हम ये पूछ रहे हैं कि श्रम मंत्रालय जो बेरोजगारी का आंकड़ा जारी करता था, माननीय मित्र, 2017 से 2019 तक आपने क्यों बंद कर दिया? केवल इसलिए कि मोदी जी की सरकार रह रही थी, इसलिए आपने बेरोजगारों के पीठ में चूरा मार दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्त, आपके भी भाई परेशान है नौकरी के लिए, भाजपा के भी नेता के लड़के परेशान है, ऐसा नहीं है कि केवल समाजवादी पार्टी के लोग परेशान है। मिश्रा जी की बात अलग है, मिश्रा जी करोड़पति अरबपति आदमी है, उनके यहाँ कोई नौकरी नहीं चाहिए, और वो सबका झंडा बर्बाद करेंगे। 4,58,000 व्यक्तिगत एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना करें, अगर अपनी अपनी बात रखें। सर ये सड़क छाप वाली डिबेट यहाँ पर नहीं चल सकती ना। छापा पड़ जाएगा हमारे ऊपर, मिश्रा जी सुनिए ना, मुसीबत में आप हमें डाल देंगे। सर कानून तो अपना काम करेगा ना मिश्रा जी। अरे नहीं, सपा की भी सरकार हमारी है, कांग्रेस की भी सरकार, जो भी सरकार है वो हमारी है, ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा की सरकार है। सभी है, आप सरकार सभी की होती है। अरे नहीं, सपा की भी सरकार हमारी है, कांग्रेस की भी सरकार, जो भी सरकार है वो हमारी है, ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा की सरकार है। आप सरकार सभी की होती है, सरकारें सभी की होती हैं, लेकिन हम बात इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जो छात्रों के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती वाले की बात हम कर लें, जैसे अभी आशा कार्यकर्ताओं का जिक्र भी हुआ बीच में, और या फिर मौजूदा जो प्रयागराज में जो कुछ भी घटनाक्रम देखने को मिला है, क्या ये तस्वीर किसी प्रदेश को उत्तम प्रदेश की संज्ञा दिला सकती है? मुझसे पूछ रहे हैं जी। देखिए, उत्तम प्रदेश बनने के रास्ते पे उत्तर प्रदेश चला हुआ है। देखिए, उत्तम प्रदेश बनने के रास्ते पे उत्तर प्रदेश चला हुआ है, ये बड़ा लॉजिकल है। पहली चीज, मुझे लगता है अब आपने डिबेट लाठीचार्ज से हटा करके मुद्दा शिफ्ट कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं सर।
ये छात्रों पर ही है? नहीं नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं ना, बेरोजगारी पे है, छात्र बेरोजगारी को लेकर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। एक अनपढ़ आदमी भी अगर उसके हाथ में रोजगार नहीं है, स्वरोजगार या नौकरी नहीं है, तो उसको भी रोजगार या उपार्जन का, धनोपार्जन का उसको भी मिलना चाहिए। ठीक बात, बेरोजगारी सबके लिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कुछ फैक्ट, आप देखिए आज के कुछ सालों पहले तक SGDP में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य गिना जाता था, 14वें नंबर पे आता था, आज की डेट में नंबर 1 है। पहली चीज, अरे फिर ये बोलने लगे बीच में, या तो 1-to-1 करवा दीजिए इनको, मैं संतुष्ट कर दूं, या मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा सर, अभी 10 मिनट के बाद खुला मैदान है, आप बात 1-to-1 कर लीजिएगा। डाटा सुन लीजिए, अभी कपीश श्रीवास्तव सुन लीजिए, मैं आपके पास दूसरा डाटा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश रोजगार क्रिएट करने में उसकी कंडीशन बहुत खराब थी पिछले 70 सालों से। रोजगार क्रिएट करने वाले पैन इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, जो सबसे बड़े राज्य होते थे, महाराष्ट्र होता था, बंगाल होता था, पंजाब होता था, दिल्ली होता था। आज जरा पूछिए ना, महाराष्ट्र में क्या रोजगार है, दिल्ली में केजरीवाल ने क्या रोजगार दिया, राजस्थान में, कोलकाता जैसा मेट्रो शहर जहां रोजगार की भरमार होती थी, बंगाल में, पूरे इंडिया के रोजगार 80% रोजगार इन 4-5 स्टेट से मिलते थे। उत्तर प्रदेश में बहुत खराब हालत है, मैं मानता हूं सरकार निकम्मी है, नहीं दे रही है। तो जरा पूछिए ना उद्धव ठाकरे से, उनके यहां रोजगार क्या हुआ। पंजाब से पूछिए ना, दिल्ली के केजरीवाल बगल है, उनसे पूछ लीजिए, जो दिल्ली में रोजगार था कहां गया, महाराष्ट्र का रोजगार कहां गया, जहां आधा उत्तर प्रदेश जाकर के, जहां आधा उत्तर प्रदेश जाकर के रोजगार पाता था, क्या हो गया रोजगार का। पलायन सबसे ज्यादा, पलायन उत्तर प्रदेश का मतलब सबसे, इसका मतलब क्या निकाले, इसका मतलब ये निकाले कि उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे राज्यों से जो लोग महाराष्ट्र, गुजरात या कहीं पर जाते थे, अब उनको रोजगार के अवसर यूपी में उपलब्ध हो गए हैं, इसलिए वहां पर असर पड़ गया। अक्षय जी, मेरे ख्याल से हमने यूपी को क्योटो में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि रोजगार क्रिएट करना, भारत एक संघीय ढांचा है, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह कोई चीज बने, बहुत सारी चीजें दूसरे जगह से होती है। एक भारतीय को कहीं पे भी रोजगार मिले, पक्ष विपक्ष मिलके अपने अपने स्टेट में ऐसी व्यवस्था करें कि कहीं का भी आदमी जाकर के कहीं पे भी रोजगार बात कर रहे हैं, उसी व्यवस्था पर आपने कहा कि मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं, आगे भी एक ये नौबत क्यों बनी, हम उसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सर सुनिए ना, सवाल तो सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, उसी व्यवस्था की तो बात हम कर रहे हैं कि आखिर वो नौबत क्यों बन रही है कि छात्र नौकरी मांगे तो लाठियां खाए। नहीं, नौकरी मांगे लाठियां खा रहा है वो, दूसरा है नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही है वो मैं बताता हूँ। 70 सालों से सारी सरकारों ने प्रयास किया, उनके प्रयासों को मैं सलाम करता हूँ। 120 करोड़ की जनता के लिए रोजगार मुहैया कराना लड्डू खाने जैसा नहीं है, जैसा कपीश श्रीवास्तव अपने मुंह से कुछ भी टपका देते हैं। ठीक है, फिर दावे बड़े नहीं करने चाहिए। बहुत ही तरुण भारद्वाज साहब आपके पास आऊंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तरुण भारद्वाज साहब फिर नहीं, ठीक बात है, तमाम चुनौतियों की हम बात करें, कपीश जी मैं आप ही के पास आ जाता हूँ, तमाम चुनौतियों की बात कर रहे हैं कि सरकारों के सामने चुनौतियां तमाम होती हैं, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में। सर बड़े बड़े वादे तो मत कीजिए, दावे तो मत कीजिए, शब्दबाग क्यों दिखाते हैं कि हम इतने लाख नौकरियां दे देंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। देखिए बहुत सीधी सी बात, इस समय 22 लाख अधियाचना जो है उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों से सरकारी नौकरियों में है, और हम लोगों ने जो कहा कि आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरियां देंगे, तो उसके लिए हमने HCL में दे करके भी शुरुआत की थी लखनऊ के अंदर। हमारे नेता ने बकायदा रोड मैप बिछाया है कि हम कैसे देंगे, इनके पास तो कोई रोड मैप ही नहीं है, ये तो पकौड़ी छानने के लिए कहते हैं। ये वो तो सवाल उठा रहे हैं कि डिग्री कर लिए, आप बीएड कर लिए, जब 2012 में सरकार आई थी तब रोड मैप नहीं था क्या? बिल्कुल रोड मैप था, तभी तो बता रहे हैं कि हम लोगों ने उस समय 4,58,868 नौकरी दी है, और मैं आपके चैनल पे ये कम से कम 25वें बार कह रहा हूँ, अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसमें एक नौकरी कम हो तो बता दीजिएगा। आरोप इस बात को लेकर क्यों लगते हैं, जैसा अभी इसी चर्चा के दौरान कहा गया कि नौकरियों के नाम पर बंदर बात की गई। तरुण भारद्वाज साहब देखिए, सब हियर एंड देयर कोई इंसिडेंट हो गया, ठीक है, हो गया, क्या उसको हमने कड़ी कार्रवाई करके आगे से प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे,
नहीं तो कार्रवाई की बात तो बघेल साहब भी कह रहे हैं कि कार्रवाई तो हमारी सरकार में भी हो रही है ना। देखिए ये जो मुद्दा है ये बिल्कुल अलग है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये मुद्दा इसलिए अलग है क्योंकि एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए मिश्रा जी, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि इस समय जो सबके लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम लोकतंत्र के लिए मैं आपका रिएक्शन इस पर जरूर चाहूंगा कि समस्याएं तो बहुत हैं लेकिन समस्याओं का समाधान हो, प्राथमिकता इस पर होनी चाहिए। आप तो तस्वीरें भी और तकरीबन एक घंटे की चर्चा के दौरान आपने तमाम चीजें सुनी हैं, निंदा करेंगे कि ये घटना ठीक नहीं हुई, इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं था। पुराने समय से ही छात्रों के क्या कर्तव्य हैं, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथा च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसमें कहीं धरना दिया, धरने शब्द का प्रयोग हुआ है? रेल की पटरी पे चलना जुर्म है? सुंदर पिचाई से बढ़ के संघर्ष किसी ने नहीं किया? छात्रों से मेरा अनुग्रह है, निवेदन है कि अपनी ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करें, रेल को मत रोकिए। स्पीड से आती ही रेल से कोई हादसा भी हो सकता था। जो पांच लक्षण विद्यार्थियों के बताए गए हैं, अपने धर्म का पालन कीजिए। पैसों की, रोजगार की, स्वरोजगार की कमी नहीं है। आप अपनी ऊर्जा का मौलिक संविधान में अधिकार है तो कर्तव्य भी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि चीखने चिल्लाने से इस तरह से इंसाफ मिलने वाला नहीं है। टाइम अप। कुल मिलाकर सवाल ये है कि अगर रेलवे पटरी पर प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, वो तरीका ठीक नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन तो क्या हॉस्ट पुलिस प्रशासन और जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्हें क्या पुलिस की जानकारी नहीं थी? छात्र यहां पर प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह का रवैया मिश्रा जी, हो गया कुछ नहीं होगा।